या कोई भी एग्जाम हो गया एंड तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे दिन में तुम्हें 16-16 18-18 घंटे पढ़ना पड़ेगा भाई, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। वेदर यू आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है, या तो आपका डमी स्कूल है, ड्रॉपर हो, पार्शल ड्रॉपर हो, कोचिंग जाते हो नहीं जाते हो, लाइक हर एक सिचुएशन आप देखो ना तो कहीं ना कहीं सिमिलर है। सो हेलो एवरी वन, माई नेम इज तनवी गोयल एंड माई चांस नेम इज नीट विद तनवी, आई एम अ सेकंड फ्रॉफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो, ठीक है, आप 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर हो एंड आप कंफ्यूज हो कि आपको अपना एक एक्यूरेट टाइम टेबल कैसे प्लान करना है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। कि आप किस तरीके से अपने तीनों सब्जेक्ट्स के बीच में अपना टाइम डिवाइड करने वाले हो, ठीक है, एंड किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करने वाले हो जिससे कि आपके बैकलॉग्स भी ना बने एंड आपका जो सिलेबस है वो ऑन टाइम ख़त्म हो जाए एंड आपको ऐसा भी फील ना हो कि यार आपको पूरे दिन में 15 घंटे या 16 घंटे पढ़ना पड़ रहा है। लाइक मतलब फिजिबल सा प्लान हो, ठीक है, ना तो आपको ज़्यादा देर पढ़ना पड़े, ठीक है। अब अगर तो तुम ये चीज़ देखो कि हाँ ठीक है, एक एक्सट्रीम पॉइंट पे लोग ये कहते हैं कि तुम्हें दिन में 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा एंड 4 घंटे सोना पड़ेगा। एक एक्सट्रीम पॉइंट पे लोग ये भी कहते हैं कि हमने तो पढ़ा ही सिर्फ 4 घंटे है, ठीक है। तो देखो आपको किसी भी एक्सट्रीम साइड पे नहीं रहना है, ना आपको किसी भी एक्सट्रीम साइड पे रहने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको एकदम मिडिल में रहना है, ठीक है। एक आपको बड़ा ही फिजिबल सा एकदम बैलेंस्ड प्लान क्रिएट करना है जिसके अंदर कि आपके इनफ अमाउंट ऑफ स्लीप आवर्स हो एंड इनफ अमाउंट ऑफ स्टडिंग हो, ठीक है, जिससे कि ना तो आपको ज़्यादा टायर्ड फील हो। देखो यार 4 घंटे की नींद पे आप एक दिन निकाल लोगे, 2 दिन निकाल लोगे, 1 हफ्ता निकाल लोगे, हार्ड टू हार्ड 15 दिन निकाल लोगे, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपकी तबीयत खराब होगी ही होगी, ठीक है। अल्टीमेटली उसके बाद आप जो भी पढ़ोगे वो आपके दिमाग में नहीं घुसने वाला है, ठीक है, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है ना, जो भी आपने पूरे दिन में याद करने की कोशिश की है, वो आपको याद तभी होगा जब आप एक एक्यूरेट अमाउंट ऑफ स्लीप लोगे, ठीक है, क्योंकि स्लीप के अंदर क्या होता है, आपका कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी होता है, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा होता है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो इसलिए सोना जरूरी है, सिर्फ 4 घंटे की या 3 घंटे की नींद पे आप नहीं निकाल सकते हो। तो यार देखो, सबसे पहले नीट के लिए आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड वी ऑल नो कि इनमें से ईजिएस्ट जो है वो बायोलॉजी है, ठीक है। अब वो ईजिएस्ट है तो आप उसे मिनिमम टाइम दोगे चलेगा, ठीक है, बट इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना कि आप उसको टाइम थोड़ा कम दोगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कंपैरिजन में, बट आप उसको इम्पॉर्टेंस कम नहीं दोगे, इम्पॉर्टेंस आपको उसी को सबसे ज़्यादा देनी है क्योंकि वेटेज उसी की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो बायो का आपका सिंपल रहेगा, अगर आप दिन में 2 घंटे भी बायो पढ़ते हो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, दैट्स इनफ, ठीक है। देखो मैं तुम लोगों को बताऊँ ना, बायो में क्या मैटर करता है, एक बार तुम्हारा कोई भी चैप्टर है वो तुमने एनसीईआरटी से पढ़ा, तुम्हारा जो भी मॉड्यूल है तुमने वहाँ से पढ़ा, उसके बाद मैटर ये करता है कि वो तुम्हारे दिमाग में कितना बैठा है एंड तुम कितनी देर में उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रही हो, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करने लगी थी ना बायो के, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है। फिर मैंने ये चीज़ रियलाइज करी कि अगर यार मैंने सब कुछ याद तो कर लिया है बट वो ऑन टाइम एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो उसका फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने क्या करा, मैंने उसके अंदर अपनी स्पीड इंप्रूव करने की कोशिश करी कि फटाफट से मेरे बायो के एमसीक्यूज हो जाएं, क्योंकि उसके अंदर आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपना कोई भी ऐसा इंटेलेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई रीजनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने एक्चुअल में पढ़ा है बायो में चैप्टर में वही आपको वहीं पे देखना है, वही आपको 4 ऑप्शंस में से बड़े मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस तो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं बायो के अंदर। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अगर वो दिन में 2 घंटा बायो पढ़ रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि वो अलग अलग चैप्टर्स को, दो अलग अलग चैप्टर्स को टारगेट कर लेते हैं। मैं तुम्हें ये प्रेफर करूंगी कि एक दिन में 2 घंटे बायो पढ़ने में तुम किसी एक ही चैप्टर को प्रैक्टिस करना एंड उसे ही एकदम स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, 2 चैप्टर्स टारगेट करने की कोई नीड नहीं है। उसके बाद फिर हमारे आ जाते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो देखो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा लाइक ऑल्टरनेटिंग चलता है, किसी के लिए फिजिक्स थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट साइड पे होती है एंड किसी के लिए केमिस्ट्री होती है, ठीक है। नाउ दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, ऑब्वियसली तुम्हारे लिए इन दोनों में से जो भी ज़्यादा डिफिकल्ट है तुम उसे ही ज़्यादा टाइम देने वाले हो। अब फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि वो एक स्टूडेंट है, उसके लिए जो फिजिक्स वाला सब्जेक्ट है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम किसको देगा, फिजिक्स को देगा। तो आप दिन में 3 घंटा फिजिक्स पढ़ रहे हो, 4 घंटा फिजिक्स पढ़ रहे हो, ऑल्टरनेटली आप 3 या 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो वो एकदम फिजिबल प्लान है। अब जब आप 4 घंटा फिजिक्स पढ़ रहे हो एक दिन में, आप क्या करोगे, आपने कोई भी एक चैप्टर टारगेट करा, ठीक है, आपने उसको दोहरा पढ़ा, ठीक है, हाँ उसके जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो आपने पढ़ी, जितने भी फॉर्मुलाज है वो आपने एक जगह लिखे, ठीक है, फिर जो इन चैप्टर आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, एक्सरसाइजेज होती है वो आपने करी, उसके बाद फाइनली टर्न आई आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, फिर आप उसी चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मेरे साथ तो क्या होता था कि मेरी पहली बार में जब मैं किसी चैप्टर को पढ़ती थी, फिर मैं उसकी क्वेश्चंस लगाती थी फिजिक्स में, मेरे सारे
एक बार में पहली बार में सही नहीं होते थे, ठीक है, कुछ रह जाते थे जो या तो मुझसे सॉल्व नहीं हो पाते थे या तो गलत सॉल्व होते थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो ऐसे क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको उन्हें वापस से देखना पड़ेगा, ठीक है, कि मेरा वो क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हुए या तो वो मेरे क्वेश्चन जो है वो क्यों गलत हुए, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है फिजिक्स के अंदर कि हमने जैसे पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज हमें दिख रहे हैं वो हमने लिख लिए, बट कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए हमें नए फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं एंड तब हमें पता चलता है अच्छा ये क्वेश्चन मुझसे इसलिए सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर तो कुछ नया ही फॉर्मूला लग रहा था। तो जितनी भी नई चीजें तुम्हें पता चल रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे उन्हें लिख लो। एंड टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, तो यार उसमें भी मैं तुम्हें यही कहूंगी कि दिन में तुम 2 घंटा या 3 घंटा पढ़ रहे हो तो यार केमिस्ट्री में कोई एक ही चैप्टर पे फोकस करना। एंड भाई ऑर्गेनिक से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुमने एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिख लिए ना, सारे रिएक्शन सब कुछ एक जगह लिख लिया, ठीक है, बड़ी इजिली हो जाएगी, बड़ी इजिली हो जाएगी। फिर जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना वो उन्हीं रिएक्शन पे बेस्ड आते हैं। तो अब हमने पूरे दिन में क्या किया, हमने 2 घंटा रखा बायो को, अगर आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है तो आपने 4 घंटा रखा फिजिक्स को, ठीक है, एंड फिर अगर आपकी केमिस्ट्री इजियर साइड पे है तो आपने 3 घंटा रखा केमिस्ट्री को। तो 2 एंड 4 6 एंड 3 9, ठीक है, 9 आवर्स हुए हैं आपके अभी तक। 9 आवर्स पढ़ना एक दिन में इज वेरी गुड, ठीक है, अगर आप 9 आवर्स पढ़ रहे हो ना तो वो कम है ना तो वो ज्यादा है, ठीक है। अब इसको आप और एक्सटेंड करके 10 आवर्स तक कर सकते हो, कैसे, देखो बायो में आप 2 घंटे ही रखना, फिजिक्स में ऑलरेडी 4 घंटे आपके बहुत हैं, आप चाहो तो 1 घंटा अपना केमिस्ट्री में बढ़ा सकते हो। अब बात ये रही कि दीदी हम अपने पूरे दिन के अंदर इन आवर्स को एडजस्ट कैसे करेंगे, तो यार देखो सबसे पहली चीज ये आएगी कि आप दिन में पढ़ना प्रेफर, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ना प्रेफर करते हो या फिर रात में लेट नाइट पढ़ना प्रेफर करते हो। यार देखो मेरे साथ हमेशा ये रहा है कि अगर मुझे पढ़ना है ना तो मैं लेट नाइट स्ट्रेच करना ही प्रेफर करती हूँ। रीज़न बीइंग कि देखो मैं शाम से लेकर रात तक पढ़ रही हूँ, मेरा एक फ्लो मेंटेन्ड है, तो मेरे को ये लगेगा कि यार ये चीज़ मुझे ख़त्म करनी है, मैं रात में 1 घंटा 2 घंटा और स्ट्रेच कर लूँ बट रात में ही ख़त्म करके सोऊँ, तो मेरा क्या हो गया, लेट नाइट वाला हो गया, ठीक है। बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं यार हम सुबह उठेंगे 3 बजे 4 बजे, जब भी हमने उठना है हम सुबह उठ के पढ़ेंगे। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, व्हाट सूट्स यू, व्हाट सूट्स योर बॉडी माइंड। अब यहाँ पे भी अलग वेरिएशन हो सकती है, हो सकता है कि तुम स्कूल गोइंग हो, ठीक है, तुम्हारा एकदम रेगुलर स्कूल है, हो सकता है कि तुम स्कूल गोइंग हो बट तुमने डमी स्कूल कर रखा है, हो सकता है कि तुम ड्रॉपर हो सकता है कि तुम पार्शल ड्रॉपर हो। तो दिन में तुम्हें 9 से 10 घंटे निकालने ही निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अगर तुम मान लो कि तुम स्कूल जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अब स्कूल से तुम आ गए 3 बजे, 1 घंटा तुम रेस्ट भी करोगे, 4 बजे तक तुमने रेस्ट किया है, अब 4 बजे के बाद 5 6 बायो, ठीक है, फिर 7 8 9 10 तुमने पढ़ा फिजिक्स, उसके बाद 11 12 2 घंटे ही तुम्हारे पास बचेंगे केमिस्ट्री के लिए। क्यों, क्योंकि देखो यार तुम 12 बजे सो गए तब जाके तुम सुबह 6 बजे उठ पाओगे अपने स्कूल जाने के लिए। तो इस कंडीशन के अंदर तुम क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली तुम अब एकदम ऐसा लाइक 4 बजे तक तुमने रेस्ट करा उसके बाद अब कॉन्टिन्यूसली 12 बजे तक तो नहीं पढ़ सकते, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, आपको हर एक सब्जेक्ट को 2 2 घंटे देने पड़ेंगे। 2 घंटा आपने दिया बायो को, 2 फिजिक्स को, 2 केमिस्ट्री को। अब आप कहोगे कि दीदी ये तो हमने दे दिया है पर अब हमारा पूरा तो हो नहीं रहा, चलो बायो तो हमारी 2 घंटे में पूरी हो गई ना, वॉट अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो यार देखो उसके अंदर तुम क्या करने वाले हो, तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है, एंड भाई सबको पता है कि स्कूल में एज सच इतनी पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितना भी तुम्हारी बायो तो हो गई पूरी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जितना भी थ्योरी पोर्शन है वो तुमने घर में पढ़ा समझा और याद करा, अब पार्ट कौन सा रह गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला। तो अब तुम्हें अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कब निकालनी पड़ेगी, स्कूल में निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल में तुम लर्निंग पोर्शन नहीं कर पाओगे बट प्रैक्टिस पोर्शन यू कैन डू, ठीक है। तो अगर स्कूल जाते जाते तुम्हें मैनेज करना है तो तुम्हें ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन कि तुम कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो चीजों को। अगर तो तुम ड्रॉपर हो, तुम घर पे ही रहते हो तो तुम्हारे लिए वेल एंड गुड है, तुम इजीली अपने टाइम को मैनेज कर लोगे। अगर तुम कोचिंग नहीं जाते हो, तो अगर तुम कोचिंग जाते हो तो तुम्हें कोचिंग के टाइम के साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड लाइक जो कोचिंग्स है ना वो स्कूल जैसी ही हो जाती है लाइक, बट बस थोड़ी स्कूल से कम ड्यूरेशन होती है कोचिंग्स की, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। तो तुम्हें वैसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम आने के बाद, एंड अगर तुम पार्शियल ड्रॉपर हो तब भी थोड़ी स्कूल जैसी चीज ही हो जाती है, ठीक है। तुम्हारा जहां पे भी तुम बाहर जा रहे हो उसके बाद घर पे आने के बाद तुम्हारा जितना भी समय बच रहा है उसके अंदर तुम 2 2 2 करके डिवाइड करो, एंड रेस्ट जो तुम्हारे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस रह जाएंगे वो जब तुम्हें बीच में टाइम मिलेगा तुम्हें उसके अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं तुम लोगों को ये एडवाइस करूंगी कि तुम अपनी मिनिमम 6 घंटे की नींद रखना ही रखना, 6 घंटे की नींद लेना, ठीक है। हाँ कभी कभी होता है कि हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा आया, 2 दिन ऐसा आया कि अगले दिन तुम्हारा कोई टेस्ट है या फिर तुम्हारा एक कोई बैकलॉग बना हुआ है उसको क्लियर करने के चक्कर में तुम्हारी हो गई 5 घंटे की नींद। देखो 5 घंटे से कम तो मैं बोलूंगी ही नहीं करने को, ठीक है, हो गई 5 घंटे की, बट
ऑन एन एवरेज तुम अपनी 6 घंटे की नींद रखना ही रखना, उससे कम नहीं। तो आई होप सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर तुम लोगों के कोई भी डाउट्स है, देखो अगर तो तुम ये सोच रहे हो ना कि कोई भी टीचर या कोई भी यूट्यूबर तुम्हें ऐसा एकदम पॉइंट टू पॉइंट टाइम टेबल बना के दे दे कि हाँ यार 12 से 2 तुझे ये करना है, 2 से 4 तुझे ये करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हजार लाखों बच्चे हैं, ठीक है, हर एक की सिचुएशन अलग है। कोई भी एक ऐसा जनरलाइज्ड टाइम टेबल नहीं हो सकता है जो कोई एक बच्चा फॉलो कर ले, ठीक है। मैंने भी अपना एक बहुत ही ऐसा अच्छा सा टाइम टेबल बनाया था, वो फॉलो नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा टाइम टेबल मैंने बनाया, मैंने उसके अंदर ये देखा कि यार इसमें मैक्सिमम टाइम पढ़ना ही है, ठीक है। मैंने उसको लगाया दीवार पे, बट मैंने ये सोचा कि मुझे मैक्सिमम टाइम पढ़ना है तो मैं बेटर अपना एक टाइम टेबल बना के पढ़ूँ, ठीक है, एंड अपना एक गोल सेट करके पढ़ूँ कि मुझे आज क्या क्या चीज़ें पूरी करनी है। तो तुम किसी भी जनरलाइज टाइम टेबल के साथ अपनी लाइफ को नहीं चला सकते हो, तुम्हें खुद के लिए देखना पड़ेगा कि व्हाट सूट्स यू, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम में से कितने लोग अपने लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल बना पाए हैं एंड अपने डेली रूटीन के अंदर इनफ अमाउंट ऑफ स्टडी एंड इनफ अमाउंट ऑफ स्लीप को इंटीग्रेट कर पाए हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो तुम लोग नहीं करते हो। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाने के लिए। बाय।